मुझे प्यार कर रहा है, देखो कितना तो लगी क्या? क्या लगी? अभी मेरे को सुबह से कबूतर फंसा हुआ है। खाना कैसे बनाते हैं? छोटे छोटे हो गया दिल मेरे दिल छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो रात के बज गए 2 और अभी हो गई एक छोटी सी मिस हैपनिंग और ऊपर सब लोग डरे पड़े हैं। बताती हुआ क्या हुआ, ये कि दीपक, चीना, पूजा और दीपा ये सब गए थे 24/7। चीकू के पापा वहां से गाड़ी में निकले थे, उन्होंने गाड़ी देख के छुप गए, वो फिर भी चीकू के पापा ने दीपक को पकड़ लिया, तो वो सारे डरे हुए हैं। और ये आइडिया चीना का था कि तुम सब छुप जाओ, जब दीपक को इन्होंने पकड़ा तो बोला क्या कर रहे हो, तो दीपक ने बोला मैं सामान लेने आया था, फिर इन्होंने बोला छुप क्यों रहे थे सामने से जाते, तो वो सारे डर रहे हैं। मुझे 3-4 बार फोन आ चुका है कि संदीप जीजू सो चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना, रात के अभी देखो 3 बज गए हैं और 24/7 मेरे घर के बिल्कुल सामने और सारी लड़कियां गए बिना पूछे, तो गलत है ना वो चीज़ें। रात को कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो उस चीज़ के लिए फिर अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं उनको थोड़ा सा तड़क भड़क सा डायलॉग मारने और थोड़ा डराने। एक्चुअली क्या है ना, ये डांटने नहीं जा रहे पर ये इनका जो भी है ना, एक्चुअली क्या है, 2-3 बार फोन आ चुका है कि संदीप जी जो ऊपर तो नहीं आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे, तो मैंने उनको बता दिया, तो ये देखना चाहते हैं कि बच्चों का रिएक्शन क्या रहेगा। मैं पहले एंट्री करूंगा, फिर मैं बोलूंगा पापा पापा गुस्से में हो रखे, फिर आप गुस्से में आना, फिर गुस्से में आओगे आप, फिर डांटोगे, फिर बोले प्रैंक था। बड़ा हो गया जी, कुछ बड़ा हो गया, सारे गुण आपके हैं इसके, बड़ा हो गया जी को। चलो 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 सारे फॉलो मी, शादी का कोई भी मोमेंट नहीं छोड़ेंगे। क्या हो गया पापा जी को बुला रहे थे? मम्मा पहले एंट्री आप मैं करूंगा फिर आप करना। हंसी मत, हंसी मत, फिर आप एंट्री करना, फिर आप गुस्से में बोलना क्यों गए बाहर, फिर थोड़ी देर बाद बोलना कि प्रैंक था। अच्छा आपके हाथ में क्या, ये तो दिखा दो, ये गोली की बंदूक की फेंक दो। मैं तो समझाने आया हूँ कि रात को 2 बजे बाहर क्यों गए। हाँ ये गलती है इनकी, मैं इनको डांट रही थी कि तुम जाने का क्या मतलब है, ये मुझे क्या के गए कि हम नीचे 8th फ्लोर पे जा रहे हैं, तो यही कहने गए, ये घूम रहे थे 24/7। हाँ खाने पीने का गंदे लेने गए होंगे क्या, क्यों? अरे ये वाली बात पे की देखो, इसने गलत करा, मतलब इसको ये सीन नहीं डालना चाहिए था। 24/7 क्यों गए थे? ये ना छुप गया मुझे देख के ये दीपक। अच्छा ये तो देख लो, मैक्रोनी लेने गए थे, इतनी बड़ी लेके बैठे हैं यहाँ पे। देखो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ना चीजों को समझे, रात के 3 बज गए हैं बिना बताए बाहर गए, गलत बात है तो है ही गलत बात, मैं खुद बोल रही हूँ। इतने लोग हैं यहाँ पे, लड़के इतने सारे, एक बार ही बोलते ना सारी चीजें इनको मिल जाती, पर ये पर नितिन को बोल दे, किसी को बोल दे, और ये सारी हरकत किसने करी है? उस दीपक ने क्यों करी है? दुल्हन ये गलत बात है, कान पकड़ के सॉरी बोलो, कोई सामान चाहिए बोल दो। अरे मैं बहुत शरीफ हूँ, तुम बताओ ना इनको सबको। अरे हमने कब बोला बदमाश बेटा, वो पुलिस लिए आए थे कि आपको पेप्सी मिल जाए, खुश हो गए तो पेप्सी मिलते खुश है। काफी डरी हुई है लड़की हमारी और बहुत ही मेहनती है, तो फिलहाल अभी मतलब अभी थोड़ा बहुत कोविड के चक्कर में जॉब भी चली गई है, तो बायो में ब्लॉग का लिंक है, तो लड़की को जरूर फॉलो करना, बहुत ही मेहनती है। ये वही लड़की है जिसकी मम्मी को ICU में भर्ती हो गया था, तो सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है, क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो डरी क्यों थी ये बता रहे जी? डर लगता है। अब हम चले गए थे, हमने जैसे देखा आपको, हाँ हम बंदा बता चले गए थे, जैसे देखा कि आपकी कार आ रही है, हमें पता कुछ भी नहीं सोचा, हम बस उल्टे पैर भागे। एक बात बताऊँ तुम्हें, गलती कोई भी करते हो पकड़ा जाता है इंसान, पकड़ा जाता है, सच है। और हमने गलती करी थी इसलिए तो हम डरे थे, वरना हम क्यों डरते, अगर गलती नहीं थी तो गलती मत करा करो ना, देख ली आज नहीं तो कल गलती सामने आ जाती है, सारी गलती में ही देख लेती, आप ही देखते हो, तुम्हें नहीं पता लगता क्या? हम तो घर पे थे ना, मुझे प्यार कर रहा है, देखो कितना प्यार कर रहा है, देखो देखो देखो। चलो मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि तुझे कल ससुराल जाना है। नहीं मैं तो अपने ससुराल में ही बैठी हूँ, है ना जी को? हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि चलो भाई जी मैं इसलिए प्यार कर रहा, तुझे कल ससुराल जाना है,
हम तो अपने ससुराल और मायका दोनों हमारा यही है। क्या बात है, मायका मायका क्या होता है? मायका गोलू मेरी बहन है तो उसकी तरफ से मायका, चीकू मेरे चीकू के पापा मेरे हस्बैंड है तो उसकी तरफ से ससुराल है ना जीमू, है ना जीमू गुड्डू। जीमू बहुत गुस्सा हो रहा था, सबके कपड़े आए इसके लिए कुछ नहीं आया, वो कल बोलिया ना जो बोला नहीं है इसकी शादी की, देखो देखो है भाई गुस्सा हो रहा था। क्या हो गया? गुस्सा हो रहा। अच्छा मैं बता देता हूँ क्या, हमने राजा रानी को ना हॉस्टल में भेजा हुआ क्योंकि ना बहुत सारे लोग हैं तो डिस्टर्ब होते बच्चे, इसलिए हमने राजा रानी को हॉस्टल भेज दिया। मैंने बताया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सोए नहीं सभी भाई? कैसे है भाई? सोए क्यों नहीं, चाय हो जाए फिर इसी बात पी लेंगे। चलो ठीक है, चीकू चाय बना के ला। चाय तो गाइस सुबह के 4:30 बज रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही। हम शादी की मिठाई खा रहे हैं। कहाँ मिठाई? येरी मिठाई तो है, ये मीठा है, इसको भी खानी है। चीकू सुबह जल्दी उठना, मम्मी की मेहंदी है। पापा मैंने पापा नींद पूरी हो रही है ना, आपकी वजह से पूरी हो रही है। चोट लगी क्या? क्या लगी वहाँ पे? गुड्डू आज कितना अच्छा लगा ना जब इसने हल्दी लगाई हम दोनों को, है ना कितने प्यार से लग रहे हैं। माँ को ज्यादा लगाई पैरों में और ना पे। Had a feeling we had something, could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you. नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह की शुरुआत दुल्हन की मेहंदी से। तो बेटा कितनी देर से बैठे हैं हमें? मेरे को 2 घंटे हो गए, अभी 2 घंटे और लगने हैं। वेरी गुड। तो भैया हमारी गुड्डू ने खाना वाना खा लिया है और ये हमारा बच्चा एडिटिंग कर रहा है ब्लॉग की। गोलू की मेहंदी, बेटा गोलू मेहंदी दिखाओ, पैरों पे थोड़ी सी पैरों पे मेहंदी है लड़की की। और हमारे घर में आ गई है सिमरन अरोड़ा, इनको आप जानते हो। और सिमरन की अगले महीने शादी भी तय कर दी मैंने। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आप कह रहे थे अभी नहीं कर रहे, करेंगे 2-4 साल बाद। हाँ जी सिमरन कटोरा, सिमरन कटोरा। कौन है मासी? अभी तो पूछिया कर रहा था, अभी तो मेरे को लिफ्ट पे पूछी करी आते ही कहता मासी आ गए आप। देखो पापा ने बोला था मैंने नहीं करी, कहां करी मैंने, मैं तो पापा ने मैंने नहीं करी। बच्चे बच्चों का ऐसे बिगाड़ो मत, नहीं करी पूछी, सोच लो मेरे कैमरा लगा हुआ लिफ्ट में। करी थी जब बोला था, जब करी थी। क्या बोला था? मैं ये बाल पे करी थी मैंने तो मैंने नितिन को बोला था चीकू को साइकिल मत दिलवा। जिस दिन से साइकिल ली है ना एक बारी चलाइए, सिर्फ एक बारी। और ये कहना नहीं मानता नितिन, क्या करना चाहिए? नितिन को धमकाओ पहले तो। तो गाइस आज की खुशखबरी ये है कि आज मेहंदी के साथ साथ गाने का शूट भी है और शूट में जो हमारी माँ का किरदार निभा रही है वो हमारी माँ ही है। तो मम्मी के हैं, मम्मी को क्या बना रहे भैया? मम्मी आपकी तो सासी बन रही हूँ। मम्मी को अम्मी बना रहे हैं, थोड़ी सी मम्मी होती मॉडर्न, अम्मी होती थोड़ा थोड़े सफेद बाल करेंगे इनके। देखो मेरे वाइट बाल थे, मैंने पैसे दे के इसको कलर कराया ब्लैक में, अब ये मेरे को फिर वाइट कर रहे हैं। बूढ़ी माता बना रहे हैं लड़की की, हीरोइन बनोगे हीरोइन एक दिन बड़े। करेक्टर करो, चलो कोई बात नहीं, जैसे करते हैं ठीक है। अभी भाई रात कैसी निकली होटल? बहुत जबरदस्त रात रही, बहुत मजा आया भाई। और गाड़ी में जो घूम गया उसमें तो बहुत बहुत मजा आया। तो कालू भाई हमारे यहाँ पे, कालू जी नमस्ते भैया, कैसे हो भाई? टाइम से उठ गए थे? हाँ टाइम से उठ के गए, सोए नहीं भाई। क्या बात है पूरी रात बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत ग्रांड मस्ती की। तो आयु भाई जो ये गाना है जो आपने सुना है कैसा है? बहुत ही प्यारा सॉन्ग। अच्छा कितने गाने आने वाले अपने ये बता दो। अपना 27 को भी शूट है और 2 बहुत ही बड़े सरप्राइज हैं, बहुत ही बड़े। मजा आ जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। 27 क्यों कर रहे हो, नींद नहीं होगी? पूरे 28 का कर लो, मानो मैं कर नहीं पाऊंगा झूठ। 26 को फ्री होंगे, 27 को तो मैं उठूंगा। 28 या 29 में से एक तारीख डन कर लेंगे। अपनी पूरी तैयारी, बस भाई का वेट है। बिल्कुल। तो भैया ये जो शख्स है ना, ये हमें वीडियो फोटो में खूबसूरत बनाएंगे और कमाल के खतरनाक फोटोग्राफर हैं अरमान मलिक। तो भैया यहाँ आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा जब आए थे तो क्या लगा था यार 2-3 दिन वहाँ रहना है, कैसा लगेगा, कोई हमें पूछेगा या नहीं पूछेगा, या फिर आना व्यस्त होगा, या क्या थोड़े फीलिंग बताओ। नहीं थोड़ा तो लगा था, पर आपसे पहले दिन तो नहीं हुई पहले बात इतनी, दूसरे दिन जब कल बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। नेचर आपका बहुत अच्छा है। रुलाएगा पगले। तो भैया ये इधर भी टीम है सारी, पूरी टीम को स्पेशल फ्लैट दे रखा है भाई ने। तो भैया यही कमाया हमने, बिल्कुल जी
जैसे 300 में बोलते ना अहू, इसलिए हम बोलते अरमान मलिक। तो पूरा फायदा चका जा रहा भैया, देख लो पहले तैयार हो गए, दूल्हे का कोई मतलब ही नहीं यार। पाजी यार, पाजी तैयार तो होएंगे, शादी किसकी है? 360 शॉट लेना अपन ठीक है। तो आज ड्रोन शॉट होंगे जबरदस्त वाले, मजा आ जाएगा, कमाल के शॉट मिलेंगे आज आपको, और व्लॉग मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है भाई, मैं कहना ट्रेंडिंग ही होना चाहिए, घंटे का पाओ चाहे 2 घंटे का पाओ। गाइस हमारे कुलदीप भाई के बड़े बेटे यानी कि गोलू हमारे सामने आ चुके हैं। तो भाई ये कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका मेहंदी का? मुझे 13 इयर्स हो गए, मैं जब 14 साल का था जब से लगा उसी लाइन। क्या बात है, तो कितने अवार्ड जीत चुके हो अब तक? मुझे दिल्ली में 3 अवार्ड मिले हुए हैं, और बशीर उटेला, जूही चावला एंड अमीषा पटेल से बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट इन दिल्ली। तो गाइस बहुत ही जबरदस्त मेहंदी आर्टिस्ट हैं सभी, तो कॉन्टैक्ट नंबर बायो में डालेंगे, ज़रूर एक बार इनसे कॉन्टैक्ट करना और चमकीली मेहंदी जरूर लगवाना। थैंक यू। क्या बात है भाई, हमारी बहन तो पूरी रेडी हो गई, आज तो हीरोइन लग रही है यार। इतना चंदा लग जाए भैया। देखो कुछ लोग खूबसूरत नहीं होते और खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं, क्यों कर रहे हो तुम इतनी कोशिश? मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आज बहुत 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 प्रेटी लग। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा गाने में ले लेंगे। और इधर हमारी माता जी भी हैं, देखो मम्मी लगती नहीं हो आप यार, इनकी मम्मी हो, ऐसा क्यों? जब बेटा इतना सुंदर है उसी का असर है मुझे। ये भैया बातों में जीतने नहीं देते, बातों में नहीं जीतने देते। बेटा इतना खूबसूरत है, माँ तो अपना भी होगी ना। ये सही कर रहा है आपके ऊपर, बहुत भैया हमारी बेटी भी तैयार हो गए। तन्नु, तन्नु इधर आओ बेटे, थोड़े से खड़े होकर दिखाओ दोनों माँ बेटी। मैचिंग मैचिंग, अच्छा आज हल्दी है इसलिए, अच्छा आज मेहंदी है ग्रीन ग्रीन इसलिए, सबने ग्रीन पहना है। आप कब रेडी हो गए? अरे अपना तो एक मिनट ऐसे चुटके होगा, एक सेकंड में ना लेगा, ठीक है ना, और सबसे अलग लगेगा। तो गाइस ये हमारी आंटी जी हैं, माता जी हैं, और सच बताऊं एक बात आपको, हाँ जी, हाँ जी, मेरी मम्मी की शक्ल ना सेम टू सेम आपसे मिलती है। थैंक यू सर। अरे ये भी हमारी माता ही है ना। तो भैया यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम रचा जा रहा है, तो इसमें लगेगा अभी थोड़ा टाइम, आधा पौना घंटा एक घंटा और लग जाएगा, और पूरा कलरफुल है, कलरफुल लोग हैं यहाँ भी बहुत सारे। तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ, हमारे सन्नी भाई तो हीरो बन गए, देख रहे हो, उससे पहले हीरो बन गए तुम तो यार। हम सिर्फ तैयारी में रहते हैं हर टाइम। हाँ तैयार हो तो गया। आज 2 गानों का शूट है, एक शादी वाला एक रोमांटिक, तो गानों के साथ साथ शादी भी निपटा दें, क्या बोलते हो? बिल्कुल भाजी बिल्कुल, अरमान भाई की शादी है तो फिर अभी तो साजता जगह होना ही। तो मैं अभी शादी थक गए बच्चे, कुछ ऐसा लग रहा मुझे। 4 घंटे होने वाले, 2-4 घंटे रेस्ट दिला दूँ? नहीं नहीं अभी रेस्ट लेके दोबारा बैठी हूँ, रेडी भी होना है। सब तो 10 मिनट में होने वाला है, फिर काम हो जाएगा 10 मिनट में, फिर इतना छोड़ देंगे। क्या बात है, क्या बात, मानिए इनकी बहुत डिटेलिंग है ना काम में। अच्छा वो लग भी रहा है। तो गाइस इनका पेज पायल ने कोलैब भी कर रखा है इंस्टाग्राम पे, हाँ तो जाके इनका पेज जरूर देखना, और एक बार जरूर मेहंदी लगवाना, आपको पता लग जाएगा कि कैसा काम हो रहा है। देख लो पास से दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर से भी दिखा देता हूँ, ये देख लो भैया, ये लड़की का पैर कम और मेहंदी ज़्यादा देखना, ठीक है। तो और कुछ बोलना चाहते हो? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज इतनी ज्यादा मेहंदी लगवा के दुल्हन वाली फिल्म में, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल खुश है ना, तो खुश रहनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। जरूर देखना भैया पाए ने कॉल कर रखा भाई के साथ, तो इनका पूरा पेज चेक करना और फॉलो भी कर लेना यार, 10-50 लाख 2 लाख आदमी फॉलो कर लेना। तो मम्मी आज मेकअप हो गया आपका बुढ़ियों वाला, हाँ जी, कैसा लग रहा है? बस ठीक है, जो करेक्टर है उस करेक्टर को तो निभाना चाहिए ना। ये करेक्टर आप किसी और को दोगे? नहीं, पक्का पक्का प्रॉमिस। अरे हमारी माता जान है हमारी। तो भैया चारों तरफ आप देख सकते हो औरतों ही औरतों का माहौल चल रहा है, हर जगह मेहंदी मेहंदी मेहंदी, और हम जा रहे हैं नीचे अपना हेयर स्टाइल ठीक करवाने। पर कितनी देर लगेगी बेटा, थक सी गई है? मुझे 1 घंटा लगेगा, और जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, थक गए। कहाँ गए थे सुबह से सूरज भाटिया? मैं भाई नीचे बैठा हुआ था। तो भैया अभी हेयर स्टाइल होने वाला है शुरू, खतरनाक, ये बच्चा हमारा असलम करने वाला है। तो भैया इतनी सुविधा तभी मिलती है जब रातें जागनी पड़ी, बहुत सारी रातें जागी हैं, तब जाके पंखा मुँह पे लगा। सही बात है, बहुत मेहनत की है, बहुत अभी भी नींद आ रही है, पर हमारे जो पीछे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने हमारा खून भी रखा, फटाफट तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। तो भैया थोड़े से इस प्रकार के हीरो लग रहे हैं, हम रेडी हो गए हैं, तो अभी होने वाला जबरदस्त शूट, गाने का भी होने वाला है, और साथ के साथ मेहंदी भी निपटा देंगे। तो भैया हर जगह मेहंदी मेहंदी, और इधर भी 2-4 मेहंदी। हेलो बेटा कैसे हो, कैसे हो?
हाँ हाँ जब तो बेटा बोला। और मम्मी कहाँ आपकी? मम्मी आई है साथ में? मम्मी ये कहाँ मम्मी? और बताओ ठीक हो आप सब लोग? आपने तो कौन सा लुक किया, ये वाला मराठी? मराठी है ना, क्या बात है। हाँ भाई लड़कियों, हाँ गोलू क्या हाल है बेटे, सब रेडी हो? तो भैया तेरे मैं गाने का टेक दे देता हूँ। और कैसे हो पूजा जी? मैं वेट कर रही हूँ मेहंदी। अच्छा गुड़िया नहीं ले गया है? अच्छा अच्छा, आपकी छोटी सी फैन। हाँ भाई क्या हाल है? ठीक है, मम्मी डांटती तो नहीं है? प्यार व्यार करती हैं टाइम पे? चलो वेरी गुड, सब साउथ प्लस मराठी है, साउथ प्लस मराठी। नहीं नहीं अच्छे लग रहे हो आपको। तो पाजी की पूरी जबरदस्त लुक निकाली है आज, क्या बात है जी। बस थोड़े से पाजी नीचे कर दो वाल पीछे को, ठीक है। फुल शूट की तैयारी हो गई है, पहला शॉट रेडी है हमारा, पहला शॉट हमारा रेडी है, तो देखते हैं कैसा शॉट होने वाला है। तो ये कृतिका मलिक हो गई है बिल्कुल रेडी, ये आ गया हमारे सामने। आदेश कीजिए आप क्यों आए हो नीचे? मैं आपको अपनी मेहंदी दिखानी हुई, अपना नाम ढूंढो। नाम नाम ये रहा संदीप, चीकू का नाम ये रहा। कैसी लग रही मेरी मेहंदी? माशाल्लाह, तो मैंने बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मेहंदी लगाई और मैं जल्दी फ्री हो गई हूं। नहीं अच्छी लग रही है, वेरी गुड। तो तूने ग्रीन क्यों नहीं पहना? आपने ग्रीन पहनना था ना। मैं बता रही हूँ हुआ क्या, मैंने ना लहंगा बनवाया था भैया, ठीक है, तो मैंने ब्लाउज चेक किया था, ब्लाउज का साइज दिया था, लहंगे का जो नीचे का साइज होता है वो मैं देना भूल गई। उसने क्या किया, मेरी हाइट है 5'6", 5'6", 5'7", उसने लहंगा बना दिया पायल की हाइट का 5'4", और जब मैंने अभी लहंगा पहना, लहंगा मुझे आ रहा इतना, ओहो मैं इतनी फनी लग रही। फिर मैंने लहंगा दिया गुड्डू को पहनने के लिए, और फिर मेरे पास कुछ ग्रीन बचा नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पूरी पार्टी में सबसे डिफरेंट लगनी चाहिए, तो मैंने पहन लिया ये सूट। लड़की ने मेहनती लड़की है बहुत ही ज्यादा। अब आप जाओ बेटा, बिजी कर रहे हो आप, हमारा शूट है यहाँ पे, परेशान कर रहे हो आप। आपके चक्कर में मेरी मेहंदी खराब हो गई। कोई चक्कर नहीं, सही है, अब जाओ यहाँ से, ठीक है। एक तो नाम दिखाने आई हूँ, आधे से पहले मैं जा रही हूँ टूर पे, और मैं अरमान जी मेरे साथ है। तो गाइस दुल्हन ने इतना तंग कर रखा है, ये कह रही है मुझे शादी पे गाना भी चाहिए, शूटिंग भी चाहिए और मेहंदी रस्म भी चाहिए, मतलब इतनी फैसिलिटी चाहिए इसको, मैं क्या बताऊँ, आप बताओ। अब इतने सालों बाद तो मैं इतनी ग्रैंड शादी कर रही हूँ, और फिर डिमांड भी ना करूँ तो क्या फ़ायदा शादी का। चलो भैया ऊपर वाला भली करें, चश्मा लगा रखा पता ना लगे। बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, प्यास लग रही है, बस ये लास्ट टेक है, उसके बाद हम घर जाके पानी पियेंगे बहुत सारा। There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions. तो काके थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, पसीने से भर गए हैं। हाँ तो जिस जिसको भी आना है लोकेशन गैस कर लो कहाँ है ये, आ सकता है, मोस्ट वेलकम। हाथ जोड़ के अनुरोध है, झगड़ा मत करना, प्यार से रहना। तो गाइस हमारे सामने आ गए हैं हमारे छोटे भाई पारस ठुकराल, A7S3। हाँ मैं तो कैमरा देख रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ भैया से बोलता रहे आदमी, मतलब इसको, इसके पास सब कुछ है, मतलब मैंने तो चलो अभी लिया कैमरा इंस्टॉलमेंट पे, पर इसके पास सारी चीजें है इंस्टॉलमेंट पे। सही है भाई, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे को इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं देता कोई। नहीं नहीं देखो यार, गर्व है कि ये छोटा भाई है हमारा हाँसी से, और ऊपर वाले से बस यही दुआ है कि ऐसे फूले फले, हाइट लंबी करे पर मोटा ना हुए, है ना, है ना। मैं थोड़ा हो गया था, मैं आपको देख के मोटिवेट हो रहा हूँ, आप जिम में जा रहे हो ना आजकल, फुल मोटिवेट हो रहा हूँ मैं, खुश है ना। मैं शुरू कर दिया। हाँ अभी दो तीन गाने हैं, मैंने सोचा तेरे को एक दो मेरे गाने में रोल करना पड़ेगा। बढ़िया, क्या बात, सुना दो गाने, सुना दो एक बार, फिर सुन के बताएगा, रिव्यू देगा ना पक्का। मैं दूंगा रिव्यू, वाला रिव्यू क्यों दूंगा, शेयर करूंगा आने दो गाना, वैसे बताएगा ना यार मजा आ गया ना। हाँ। ये पारस भैया है डाइटिंग पे, और मैंने स्पेशली घर पे खाना बनवाया, और खाना किसने बनाया, खाना दुल्हन की माँ है यार, मम्मी तुम रुला दूंगी आज तो मैं। सबसे अच्छी मेहंदी लग रही है आपकी, अरे क्या बात, दुल्हन की माँ बहुत अच्छी लग रही है। कमाल पापा कमाल कर गए, मम्मी रुला देगी आज तो। चलो खाना खा ले। तो गाइस कौन कौन हमारे छोटे भाई को जानता है और कौन कौन हमारी गुड़िया को जानता है, कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। तो स्नेहा हो गया भैया बिल्कुल ही मेहंदी का बच्चा। मेहंदी का बच्चा। तो स्नेहा कितने दिन से तैयारी कर रही है? मैंने लिटरली 2 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू किया था, क्योंकि पहले ना प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे लाइसेंस वगैरह में, तो इसीलिए लेट शुरू किया। किस चीज़ का लाइसेंस? मेरे को दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का, तो बनवा देते हम। मैंने अब बात करी है, देखो नहीं वो सेटिंग वाली नहीं अपनी, अच्छे से मतलब तुम्हें जाती तेरे को गाड़ी चलानी होती थी तो बन जाता, मतलब सेटिंग का कोई काम नहीं है, सब काम लीगल हो ही है। गाइस हमारे पारस भाई की पर्सनालिटी चेक कर लो तुम, क्या बात है, क्या ये को पर्सनालिटी। तो ये डर लग रहा है टांगे, क्यों मैं देखा पहली बार ये चीज। नहीं नहीं ये वो क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग का नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत नहीं। अच्छा
तुम सुबह से कहाँ गायब थे? मैं आपके लिए काम ढूंढने गया था। कराए खुशखबरी है कोई? पक्का? क्या हमारे पारस भैया अपलोडिंग कर रहे हैं अपने व्लॉग की? क्या बात है, क्या बात है। तो कितने व्लॉग बनने वाले हैं फिर यहाँ पे? पता नहीं, एक बन गया लेकिन आते ही। आते ही, क्या बात। देखो मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें हमसे पहले ये बंदा दिखाए, उसकी खुशी जो मुझे होगी। क्या बात है। तो अच्छा मजा आ रहा है? ये बड़ा बोर तो नहीं हो ना तो यहाँ? ना, मैं 1% भी नहीं हुआ। ऐसे होता भैया सब बैठो इतनी देर से मस्त। नहीं ऐसा था ना कि जैसे घर से निकलते हैं फिर होते यार होटल घर में ही आए हैं। लेकिन हाँ मतलब ये नहीं होता कि होटल लें कहाँ रोए कहाँ घर के, घर से निकले घर में ही आए और घर जैसी पूरी फील आ रही है। खाना भी घर जैसा। मम्मी को कब ले जा रहे तुम? हैं मम्मी को? मम्मी को बहुत जल्दी ले आऊंगा अब तो। अब मैंने घर देख लिया। चलो ठीक। तो गाइस एक बहुत ही बड़ी खतरनाक सीन का रियलिटी। अरे पाजी लेट दे रहा क्या? रुक जाओ एक मिनट है, कुछ करने नहीं दे रहे तुम। तो भैया अभी यहाँ पर ओरिजिनल आंसू है, एक गाने की शूटिंग चल रही है और कोई भी बिना ग्लिसरीन के ये लोग हैं और बहुत रो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे। क्यों रोए आप? क्योंकि बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा। सुनते ही ना सबकी आंखों में रियल में ही आंसू आ जाएंगे जब ये रिलीज होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप शादी में आपको बोलना पड़ रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेटे आप बताओगे दो वर्ड? मैं इसलिए रोई क्योंकि मेरी फ्रेंड रो रही थी। अच्छा गरीब, मैं इसलिए रोई मेरी फ्रेंड रो रही थी। मैं आधे आंसू जो इसको देख रहा है, इस चीज को इतना रिलेट कर रही हूँ दिल से कि जब एक लड़की विदा होती है तो तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम क्यों रिलेट कर रहे हो? पता है एक दिन ये सब चीजें मेरे साथ होनी है, एक दिन जाना अपने पेरेंट्स को छोड़कर। सपना तू क्यों रोई बेटा? मेरी बेटी ने भी तो जाना ना। अरे क्या बात है, अरे मेरी बेटी को भी जाना। तू नहीं रोई क्या? ओहो रोई रोई सब बच्चे रोए। बच्चे आपको तो पता ही नहीं होगा गाना क्या है, ये मुझे बीच में वो सबको देख के रोई। ये मुझे बीच में बोल रही मेहंदी लगा दो। हकीकत में जो ये गाना है ना ये बहुत ही हार्ट टचिंग है माओं के लिए, बहनों के लिए, जो औरत है। हालांकि इंसान तो क्या होता है ना, कमा कमा के रोता है, पर ये वाली जो रियलिटी है ना ये हकीकत है। बिल्कुल भाजी सारे देखो जी, बच्ची को तो गाना शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा, ये भी रो रही है। मतलब सारे, मतलब मैं तो पीछे देख रहा था ना कैमरे से, सारे रो रहे हैं ए टू जेड। तो भैया ये गाना बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है और इसके जो मेन किरदार है ना वो सब हैं, ये सब लेडीज हैं और लेडीज हैं तो हम हैं और ये है तो जीवन है, घर है, संतुष्टि है और शांति है और डॉलर भी हैं। तो भाभी ये गाना आपने सुना तो कैसा लगा? गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल गाना था। मैं गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग पता है क्या लगा कि सब इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर रहे थे हर एक बंदा। एक्टिंग के साथ रियलिटी भी थी भाभी। गाना ऐसा था ना कि रिलेट कर रहे थे लोग अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ ना रिलेट कर रहे थे गाने को। गाना खत्म होने के बाद भी किसी के आंसू नहीं थम रहे थे। मुझ जैसे इंसान लाइक मैं बहुत इमोशनल नहीं हूँ तो मुझे भी बहुत इमोशनल फील हुआ। तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया हो, आपको रुलाया हो? नहीं उसने नहीं, लेकिन मैंने बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया उसे। थोड़ा सा बिजी है हमारे भाई, सुन नहीं पा रहे आपने क्या बोला। वो हमेशा ही बिजी रहता है पता है। ये हम दोनों बहुत ही किस्मत वाले की हमारे भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला और बस अभी भाभी हमारी गाँव गई है, भाभी हमारी यहाँ बैठी है, अभी एक और लेंगे है ना भाभी। चलो जी बाय बाय। तो भैया भाभी और भैया आए हैं हमारे और मेरे लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट ले गए, फिर भी मैंने मना किया, फिर भी ये ले आए। पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, मैं बहुत नाराज़ हूँ इनसे। और गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, लेना तो पड़ेगा है? ये गलत बात है। देखो नहीं चांदी के पहन तो मैं तो शूट ही नहीं करती। देखो ना नहीं करे। अरे अरे दोनों ही पहना दो एक दूसरे को। हाँ ये रे अपने आप पहन रहे हो दोनों पे ना। तो भैया ये हमारे भाई और यहाँ पर हमारी भाभी बहन भी है, सब ये मेरे लहंगा बहन भाभी दोनों। तो 1 2 3 एक्शन। साइज परफेक्ट है। तो भैया ये हमारे रजनीश भाई जो खतरनाक आदमी है, मतलब कांग्रेचुलेशन, बहुत कम मिलते हैं ऐसे दिल लगी भाई वाले। देखो लेन देन से जिंदगी बड़ी नहीं होती, जो प्यार है ना वो यहाँ ठोक ठोक के भरा हुआ है। दूसरी वो पूजा की बात और क्या है? नहीं खाली बॉक्सेस, बॉक्सेस का मेहंदी प्लस एंगेजमेंट दोनों। हां तालियां, एंगेजमेंट हो गया, तालियां मारो, तालियां मारो, हिप्पी पूरे करो, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं। कोट पैंट पहनाना था ऐसे घुमाना आपके ऊपर। कोई बात नहीं, एंगेजमेंट तो हो गई ना। हो गई भैया, शेरवानी ऊपर थी आपकी। हां
यार देखो तो मच्छर खा गए यार सारे मुंह पे। हाँ मच्छर खाए हुए यार। यार नीचू चीकू नए जूते लाया पुराने पहन रहा यार। दूधो नए जूते नहीं लेके दो आते तू अभी नितिन के साथ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो नीचे जा रहा हूँ अकेला। नहीं अभी जा रहा हूँ। किसके साथ जा रहे हैं? दूसरे साथ। भेजू किसी को? कपड़े तो चेंज कर ले चीकू, नीचे हीरो बन के जाते हैं। मैं नहीं जा रहा। मैं तो खेलने जा रहा हूँ। कौन खेलने जा रहा? नीचे पता कितना फंक्शन नीचे रख दे। कितना है? कितना? इधर आ तू पहले, नीचे बहुत सारी भीड़ है, तेरे को उठा के ले जाएगा। मैं तो खेलने जा रहा हूँ थोड़ी देर। थोड़ी देर खेलने का है नहीं नीचे कुछ। पूछो कहाँ गए बताओ। दिखाओ अपने दांत दिखाओ। क्या अब तो आ गए हैं ना चिकू? अब तो पापा बाल तो बहुत क्यूट हैं यार। सुबह से कबूतर फंसा हुआ है तो उसको भगा दूं? एक काम करो अरुण ले जा बेटा चुनी चो घुमा ला जा। कपड़े चेंज करो, किसी को ऊपर बुला के चीकू कपड़े चेंज करो ठीक है। तो भैया पारस ठकराल को हमारा छोटा बच्चा पसंद आ गया है भैया। पसंद क्या भैया, इतना प्यारा लग रहा है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा इसको। कोई बात नहीं, एक दो घंटे रख ले। कितना क्यूट है यार। बहुत क्यूट है। इसके टेक देखा अगर जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना, खतरनाक टेक होते इसके। है ना जिमी? जिमी यस कर दो। हाँ या ना बोलो फटाफट। नहीं अभी नहीं, मूड नहीं है। कमेंट। तो भैया हमारे भाई तो निकल रहे हैं, इनको टाइम है नहीं हमारे पास बैठने का। बस क्या बोलो, थोड़ा सा नाराज हम, फिर भी हम गए थे, कोई बात नहीं, हमारे भाई जा रहे हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सुबह आ रहे हैं। चलो ठीक है दादा, ध्यान रखो। ओके दादा, नमस्ते, बाय बाय। तो भैया गुड्डू ने खाना खा लिया है। अभी का सीन ये है कि जो हमारे जिमी है ना, इसको हम बाय बाय कर रहे हैं। तो अभी का सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं चिकन खाने, और अभी का सीन ये है कि पारस ठकराल जी को हमारा कैमरा पसंद आ गया बढ़िया वाला, और अभी का सीन ये है गाड़ी ये चलाएंगे ठीक है। उससे लेट ये आदमी, इस बच्चे को भी लेट करवा दिया, और बिल्कुल मतलब मूड इतना ख़राब हो गया मेरा तो मैं क्या बताऊँ। तो मैं नाराज़ हूँ इन दोनों से, कट्टी। तो भैया हमारे सामने आ गए हैं चंडीगढ़ के मशहूर खतरनाक मॉडल अरमान मलिक। तो क्या गजब भेजती है रे, क्या भेजती हो। फुल डांस देखा मैंने तुम्हारा, अभी देखना मैं अभी तो भी पसीना। तुम्हारा जो डांस देखा ना मैंने बच्चे वाला, की वो कपड़े लेने गई थी उसकी मम्मी, वो डायलॉग सुनाओ क्या था? कौन सा? पंजाबी। हाँ सुनाओ क्या था। चीकू दे पा मेनू पानी पिया, चीकू दे पा मेनू प्या घबरा। अच्छा आप ये बताइए, आप अपने पति को क्यों नहीं लेके आए यहाँ? पति आ जाएगा आसपास ही है। भैया कम से कम ले के अगर फंक्शनों पे अकेले अच्छा थोड़ी लगता अकेले। अरमान जी जो वो आउट ऑफ कंट्री हैं। गलत बात है यार ये थोड़ी। अब है मैं फ्लाइट से बुलाऊं स्पेशल? तो भाई साहब को वीडियो कॉल करके मिलवाओ हमसे एक बारी। तो भैया प्यारे प्यारे बच्चे आ गए, खाने में रायता है, चने की दाल, आलू मटर, बहुत ही स्वादिष्ट पूरी हमारे भाई साहब ने बनाई कमाल की, और यहाँ पे है राई। खाना कैसे बनाते हैं? मजेदार। कहाँ घूम रहे बेटा रात को? बस थक गए, अब खाना खाने आए थे। बेटा कहाँ घूम रहे हो दीपक? खाना खाने। तो यार दीपक किसी ने मेरी मेहंदी नहीं लगाई यार, ऐसा क्यों? चलो आपके कैसे हो भैया? नमस्ते नमस्ते। चले ऊपर चले आगे सर। अरे क्या हाल है भैया? ढूंढा किसा? एक सेकंड, ढूंढा किसने? कोई वो नहीं है कि पापा ने बताया कि चीकू ने वहाँ रखा था, वहाँ ही था। चीकू ने यहाँ से उतरवा के वहाँ रखवाया। चीकू बहुत ध्यान रखता है। तो भैया अभी मेरे पर ना लाओ, प्लीज प्लीज ना लाओ, मैं सेलिब्रेट रहता हूँ सही मजा, कैमरे वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बच्चे नहीं करो प्लीज। अरे चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिम्मी है जिम्मी, ऊपर ऊपर आ गया तो वैसे ही है जिम्मी को ऊपर ऊपर। अरे भैया मैं लड़की हूं, कोई बात नहीं, ये देखो। हां बच्चे अब अपनी बेटी। तो भैया कई बार क्या होता है, जो बिल्कुल चहीते जिगर के छल्ले होते हैं ना, वो लेट आते हैं। नहीं लेट नहीं आया, वो इसलिए लेट आते हैं कि प्रोग्राम हो रहा है, काम ना कराना पड़ जाए, है ना। गल यह है जी, साढ़े भरा का विआह है तो रिश्ते दो बनाए हुए है, इन असी भरा कहा हुआ, कुड़ी ने भी भरा कहा, भैन कहा हुआ असं। तो मैं यार उदो जो मेहंदी मूंदी लगाते फिर बंदे लड़ाई। तो देखो भैया इनके चक्कर में मेहंदी भी मैंने इतनी बनवाई है, ये आए तब मेहंदी लगवाई। मैं भी लगवाऊँ ना, मैं भी लगवाने लगे। तो एक हाथ पर लगवा लेते हैं, तो इसी खुशी में एक जबरदस्त गाना सुन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ तो सुनाया नहीं मुझे, तो यहाँ सुनाएंगे अभी। नवे वाला, नवे वाला सुना दो। ओ मित्रा नू देके तेरी सोनी भर के पिया ते पैग चारनी, हो पी के पट्टे वाला पैग सोनी, आ टली होया फिरे तेरा यार नी,
मित्रा ने देखे तेरी सोनी भर के पिया ते पैग चारनी ओ। क्या बात, गाना तो वैसे सैड आया पर नचन टपन वाला तांग आया क्योंकि ज्यादा माहौल है। हाँ तो अच्छा, एक और मैं आपको सरप्राइज दे देता हूँ इसी बहाने। तो पाजी का जबरदस्त गाना है और गाने का लिंक बायो में, और उसकी दो लाइनें सुन लो इन्हीं की जुबानी। फिर चल मेरे नाल गाई। अच्छा, ओ मेरे मरने तेरों में गा वे जोंदी नूर बनाए, मेरे मरने तेरों में गा वे जोंदी नूर बनाए। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਮਾਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਭੀ ਜੋ ਗਾਣਾ ਹਮਨੇ ਮਤਲਬ ਆਡੀਓ ਵੋਡੀਓ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਮੀ ਪਾਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਖਾ ਵੀਡੀਓ, ਪਾਰਸ ਬਤਾ ਦੇਗਾ ਕੈਸਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਮੀ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੀ, ਇਹ ਵਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ। ਅੱਛਾ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਗਾੜੀ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਗਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ दस गाने ओथों निकले सीगे जदों सुन रहे सी ना, पर दसा गाने विच्चों एक गाना सिलेक्ट किया, एक कमी। हम लोग गाड़ी लेके निकले है ना, और उसकी जो बाबा जी स्टोरी है। स्टोरी ओ हो जिस फर्स्ट टाइम मैं स्टोरी सुनी ना लिटरली आई स्वेयर मैं रो पिया सी। कोई ये नहीं भी मैं कैमरे मुरे कह रहा हूं। कितनी देर में बनाई थी स्टोरी? मैं तो दोपहर गाना लग गया, मैंने घंटे डेढ़ घंटे बाद स्टोरी सुनाती। आफ्टर एक घंटे बाद मैंने स्टोरी सुना के मैंने कहा स्टोरी बनाई। मैं तो पहले हिल गई, मैं की है यार मैं बनाई होनी, पर मेरे पुराने बहुत कैंट स्टोरी। उसके बाद पाजी ने ना इतने गाने भेजे मुझे, स्टोरी उनको पता है मैं कैसे भी लिखता हूँ, मतलब सुना दी याद ही हो जाता है सामने, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस गाने का लिंक बायो में। आज थोड़ा सा लगेगा थोड़ा बहुत बोरिंग है, पर हम एक चीज़ भी मिस नहीं करने चाहते इन चीज़ों की, सारी वीडियो आपको विस्तार में मिलेंगी। तो गाइस मेहंदी रेडी, ओके डन भाई। स्पेशल स्पेशल मेहंदी था पाजी, ये बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है। लग रहे हो, पता परी लग रहे हो। थैंक यू भैया, बिल्कुल परी। हमारी दूसरी भाभी जी कहां गई? वो नीचे फोटो शूट करा रही है। ओके, आप करवाए? हां मैं तो बस चेंज करने जा रही थी, आप लोग आए थे मुझे चेंज करने। ओके, अब बैठो मैं। भैया खाना वाना नीचे लगाओ, खाना कोई बात नहीं भैया, पहले खाना खिलवा लो। ठीक है, अरे खा लेंगे, खा के आओ पहले। बिल्कुल, फिर वो हलवाई हट जाएंगे ना, खा के आओ। अरे कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऐसे पेट भर गया। नहीं भैया जाऊंगी, भैया आप लेके जाओ उनको खाना खिला के लाओ। तो पाजी शादी के लिए जबरदस्त जोड़े लेके आए, एक ये वाला एक ये वाला। मैं जब गया था ना ड्रेस लेने, तो मेरी ड्रेस में एडवांस में लिया था पाजी के लिए, कि क्योंकि ये फिर ना पैसे खर्चते, मैं सोचा बड़ा छोटा भाई किस लिए है। एक बार ये और देखो, ये और पहन के देखो, ये भी दिखा दें। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, कलरफुल अच्छी लगती है। आप पूछ लेना ब्लॉग से अच्छी लगी, दस्यो कमेंट करना भैया। यहाँ पे भी मैं थी, दुश्मन चल रहा था, और यहाँ से निकले ये निकले। तो गाइस अभी होने वाली एक जबरदस्त अंताक्षरी, और अंताक्षरी किसमें होगी मैं आपको सरप्राइज दिखा देता हूँ। और हमारे सामने मशहूर कलाकार आ गए हैं। अच्छा, तो अभी ट्रुथ एंड डेयर होगा, तो काफी चीजें पूछी जाएंगी बताई जाएंगी। तो पहला सवाल पूछा जाता है स्नेहा से, स्नेहा हाजिर हो? तो स्नेहा इधर आ जाओ। तो आपसे एक चीज पूछी जाएगी कि पारस भाई के लिए आप अभी क्या कर सकते हो, कुछ भी या हाँ या ना? अभी क्या कर सकती हूँ? मतलब कुछ भी कर सकती हूँ, ये बोलना। मतलब कुछ भी परफॉर्म कर सकती हूँ, गा सकते हो, चुटकुला सुना सकते हो, शायरी सुना सकते हो। मतलब वो बताएगा, पारस बताएगा क्या करना। मतलब वो ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, वो डेयर देंगे। हाँ बोलो, कुछ भी कर सकते हो। तो पारस भाई इधर आ जाओ, डेयर आप ही बताओ। अब तू स्नेहा से, स्नेहा से क्या करवाना चाहते हैं? मैं स्नेहा से गाना गवाना चाहता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कैसी कैसी आवाज है स्नेहा की। गाना स्नेहा बहुत बुरी आवाज है, तो साथ साथ सारे गाना। हाँ, हाँ। स्टार्ट तो हाँ, स्टार्ट में ना। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, कैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे।
शर्म गले तो लगा ले। ओके ओके चलो मैं पास हो गई। बिल्कुल हो गई बिल्कुल। अरे हमारे साथ रहोगे तो पास ही पास हो। तो गाइस अब दूसरा जो हम जबरदस्त दे देने वाले दीपक को, दीपक बेटे इधर आओ जी। तो दीपक जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? अरमान सर को। ओ भाई चुप हो जा तू। तो मैं माँ तेरी नहीं, पेरेंट्स के बाद जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अरमान सर ही हैं। अरे अरे रुलाएगा क्या गंदी गंदी बच्ची। चल एक प्यार भरा गाना सुना दे जिससे जिससे मैं रू पड़ूं। सुना दे दीपक माँ पे सपोर्ट करना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स सपोर्ट। गीता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर्त, जब देखे तेरी तो भैया अब जिसका नंबर आने वाला है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। मैं बता देता हूँ वो कौन है। वो है नेहा। अरे नेहा कौन है वो भी बता देता हूँ। नेहा वो है जिसने ये हीरा लड़की मुझे दी थी और इस हीरे ने एक और हीरा दिया था जो पीछे है। कोहिनूर। कोहिनूर। तो नेहा इधर आओ बेटे। तो नेहा से एक सवाल है और नेहा को सच बोलना। इधर आ जा बेटा। अरे हॉट सीट पे आओ। हाँ तो ये बता तूने शादी क्यों नहीं की अब तक? यार मेरा मन नहीं करता। अच्छा कैसा लड़का चाहिए तेरे को? मेरे को नहीं लड़का तो नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। अंकल चाहिए अंकल है। चलो तेरा जिंदगी का सबसे भयानक दिन और उसको याद करके कोई अच्छा सा गाना गा। मैं किसी के लिए नहीं गाती, मैं अपनी मम्मी के लिए गाती हूँ। चलो गाओ फिर। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। स्नेहा ने मैचिंग मैचिंग पहना हुआ है गोलू का। बिल्कुल ऐसे लग रहा है छोटी बाई चांस हो गया। बाई चांस हो गया। स्नेहा मुझे लगता है ना तेरी बहुत कम लड़कियों से बनती है। ऐसा है नहीं, मैं मतलब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती लोगों तो में। इसके साथ इन्वॉल्व पूरी है तू? हाँ पूरी। कई दिन से इन्वॉल्व थी ना कि मैं दीदी आज कपड़े लेने जा रही हूँ। हाँ, हाँ, लग भी रहा था। मेरे दिल की जो रखे तू तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रोलाई ने पांच भाई निकाली है मेरे लिए। बहुत बहुत खूबसूरत गरीब की ताड़ियों के बीच में पेश है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डॉन कौन है। डॉन बहुत ही मेहनती लड़की है और अब औरत बन गई है और ये जय कुमार कंपनी में मैनेजर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वो लम्हा शेयर करें जिसे मोटिवेशन मिले लोगों को और उसके बाद उन्होंने जीना सीखा हो। तो दो लाइन। ये डेडिकेशन, ये मोटिवेशन जो अभी अरमान जी बोल रहे हैं वो मैंने इन्हीं से सीखा है। मैंने बाई चांस इनको कृतिका मैम और बायन जी को पिछले एक साल पहले फॉलो करना शुरू किया था एंड आई एम ग्लैड कि मुझे ये लोग मिले। इन्होंने मुझे बताया कि लाइफ को कैसे जीना है। अरमान सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सीरियसली। उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें करना है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कृतिका मैम पायल मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, मतलब मैं आज यहाँ हूँ मुझे खुद भी विश्वास नहीं है कि मैं कैसे इनसे मिली बात करी और मैं इनके फैमिली का एक पार्ट हूँ। सो आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल एंड थैंक यू सो मच अरमान सर, आपकी वजह से मैं अभी लाइफ में बहुत खुश हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे आंटी जी जो बहुत ही प्रैंक चैनल है और बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। आंटी जी आप हाँ येलो, तो आपको अपने बच्चों के बारे में वो चीज़ें शेयर करनी है जो आज आप जो लाइफ जी पा रहे हो वो चीज़ें आपको बतानी है। आज से दो महीने पहले मैं यहाँ थी
और 6 महीने बाद आज यहाँ हूँ और 10 साल बाद मुझे कहाँ जाना है और किसकी वजह से आपको वो चीजें सीखे सर, ठीक है। एक छोटे से टाउन से नरवाना हिसार कहते हैं हमारी साइड ही है, ये बहुत छोटा सा है वो शहर। बच्चे कह रहे मेरा बड़ा वाला बेटा राहुल कि माँ मुझे जाने दे, 2 साल दो फिर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा साहब जी प्लीज आप इसको 2 साल दे दो, ये कुछ करके दिखाएगा। वैसे हम ज्वेलर्स हैं, अच्छा है सब भगवान की दया से, ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा है मेरा फैमिली में। लेकिन उसके लिए मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैंने साहब जी को बोला मेरे हस्बैंड को कि लवी एक बार जाने दो, बच्चे की ख्वाहिश है, ये शोरूम कौन संभालेगा, कहते यार इसको साइड में कर, बच्चा जो करता है वो करने दो। छोटा भाई है मेरा, इनको डांटता हूँ मैं कभी कभी, इतना डांट देता हूँ कि मुझे फील हो जाता है, पर ये कहते हैं कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं भैया, आ जाओ। वाह भाई वाह, तालियों की सुनसनाहट है। तो भैया आप लोग जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करेगा खतरनाक वाला, मुझे नहीं पता आज तक इसने मुझे कुछ बताया नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं बताते कि शादी शुदा है, बच्चा भी है, बच्चा भी है, काम बहुत ज़्यादा हुआ और 2-2 महीने सैलरी भी रुकी, काफ़ी चीज़ें रुकी, मतलब यहाँ पे आके मज़ा आया। मेरे भाई के साथ में मिला एक शूट पे किसी, मतलब जो मेरे साथ के बंदे थे, उन्होंने कहा कि तू यहाँ पे कैसे, वो वाला काम क्यों नहीं कर रहा जो तू पहले कर रहा था, तो ये जवाब था कि मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है, अब उस वक्त काम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सच में। एक्चुअली क्या है, प्रोफेशनल एडिटर है गानों का, डायरेक्शन भी अच्छी कर लेता है। बहुत टैलेंटेड है यार तू, कमाल है। किसकी फैमिली की? किसकी? आपकी फैमिली की। मैंने बहुत टैलेंटेड है, शादी नहीं हुई अब तक इसकी। लड़का ढूंढ दो ना, कितने लड़के ढूंढोगे, कितने लड़के ढूंढोगे, हैशटैग फेमस हो रहा है।